बारे में बात करने से ज्यादातर फीमेल्स या तो हेसिटेट करती हैं या फिर उन्हें शर्म महसूस होती है। लेकिन बात जब फीमेल बॉडी की देखभाल की हो तो फिर सभी पार्ट्स की साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और ऐसे में हम बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान प्यूबिक हेयर रिमूव करने के सही तरीके के बारे में और इससे जुड़े उन सवालों के बारे में जिन्हें कई सारी वुड बी मॉम्स पूछना तो चाहती हैं लेकिन पूछ नहीं पाती, जैसे कि क्या प्रेगनेंसी और लेबर से पहले प्यूबिक हेयर को रिमूव कर लेना चाहिए, क्या गायनेकोलॉजिस्ट विजिट से पहले भी प्यूबिक हेयर को रिमूव कर लेना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान प्यूबिक हेयर को रिमूव करने का सही तरीका क्या है, प्रेगनेंसी और लेबर के दौरान प्यूबिक हेयर को शेव करने से जुड़ी सावधानियां, और क्या प्रेगनेंसी के दौरान हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग करना सेफ है। असल में होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन लेवल बढ़ जाने के कारण आपके प्यूबिक हेयर भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, इससे आपको इचिंग या फिर इरिटेशन भी होती है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई पर ध्यान दें ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप दूर रहें। अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई के लिए जरूरी है एक अच्छा सा रेजर, एक वॉश और एक मिरर, साथ ही थोड़ी सी केयरफुलनेस के साथ आप अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन कर सकते हैं। और अब आते हैं आपके सवालों पर। पहला सवाल, क्या डिलीवरी और लेबर पेन से पहले मुझे अपने प्यूबिक हेयर्स को शेव कर लेना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिलीवरी से पहले आपकी डॉक्टर अपनी स्टाफ नर्स को ऐसा करने के लिए कहेगी। डिलीवरी से पहले अक्सर नर्सेज ही इस काम को करती है और ये बहुत कॉमन है। ऐसा करते वक्त आपको शर्माने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम नर्स के थ्रू करवाना ही सबसे सेफ है क्योंकि उन्हें बकायदा इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। वो पहले आपके प्राइवेट पार्ट को साफ करती है और फिर केयरफुली शेव करती है। लेकिन फिर भी ऐसा करने पर अगर आपको दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो तो आप उन्हें तुरंत बता दें। इस सब के बावजूद अगर आप नर्स के थ्रू ये काम करवाने में कंफर्टेबल नहीं है तो लेबर से पहले ही घर पर आप ये काम कर लें। लेकिन इस काम के लिए आपको अपनी मदर या फिर हस्बैंड की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि बढ़े हुए पेट के कारण आप ये काम खुद नहीं कर पाएंगे। क्या हर बार गायनेकोलॉजिस्ट विजिट से पहले मुझे अपने प्यूबिक हेयर्स को शेव कर लेना चाहिए? ऐसा करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है और आपकी तरह वो हर दिन हजारों प्रेग्नेंट लेडीज का चेकअप करती है, उन्हें इस चीज की आदत है और वो बकायदा ट्रेंड है। प्रेगनेंसी के दौरान प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करना पूरी तरह से सेफ है, लेकिन सही तरीके से। अपने लिए हमेशा एक नया रेजर इस्तेमाल करें। हर बार इस्तेमाल से पहले अपने रेजर को साफ कर लें। हर 3 से 4 हफ्ते में रेजर की ब्लेड्स को बदल दें। अगर ब्लेड्स की शार्पनेस कम हो जाए तो उन्हें तुरंत रिप्लेस कर दें। शेव करते वक्त हमेशा हैंड मिरर का भी यूज करें ताकि आप उस एरिया को देख सकें जिसे आपको शेव करना है। शेव करने से पहले अपने इंटीमेट एरिया को वी वॉश इंटीमेट वॉश के साथ साफ करें और उसके बाद ग्रोथ की डायरेक्शन में धीरे धीरे से रेजर चलाएं। शेविंग पूरी हो जाने के बाद अपनी स्किन को गर्म पानी से धो लें और टॉवल से पोंछ लें। शेविंग के बाद उस एरिया में कोकोनट ऑयल या फिर बॉडी लोशन लगाएं। काम हो जाने के बाद इस्तेमाल किए गए रेजर को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर किसी सूखी जगह पर रख दें। प्रेगनेंसी में अपने क्लीनिंग शेड्यूल को फिक्स करें और इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग करना सेफ है? प्रेगनेंसी में हेयर रिमूवल क्रीम का प्रयोग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे और बड़े ब्रांड की क्यों ना। आपको इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी में बिकिनी लाइन बैग्स भी काफी पेनफुल होती है, इसलिए आप उससे भी दूर रहें। तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ शेविंग ही है जो आपके प्राइवेट पार्ट्स का हाइजीन मेंटेन करने का सबसे सेफ ऑप्शन है। इस वीडियो में बताई गई सभी सावधानियों के साथ आप शेविंग करें ताकि आप अपनी बॉडी के हाइजीन के साथ साथ अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकें। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।